रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। महाराज हम पहुंचे हैं गौशाला नागली में, तो आप देख सकते हैं मंदिर भी है और गौशाला भी। पीछे देखो मंदिर की चोटी दिखाई देने लग रही है और इस साइड में दिखा दे कैमरा मैन तक कहूंगा गौशाला, गौ माता है। लगातार हम पीछे भी काफी वीडियो बनाई है और गौशाला नागली में पहुंचे हैं, तो अरे काफी जो गौओं की सेवा करते हैं वो मौजूद है, उनका हम बात भी करांगे। आप देखने लग रहे हो कि गौ माता की सेवा करने खातर हर पल हर टाइम 10 से 15 जो व्यक्ति हैं वो मौजूद रहे हैं। पूरी खुली डुली गौशाला है भाई, इस साइड में दिखा दे सारा पानी की व्यवस्था दिखा दे, बीच में पानी खातर पूरा बड़ा बड़ा टब बना रखा है, सीमेंट का बनाया हुआ है। और इस साइड में दिखा दे भाई जो ये जो तूड़ी खातर गेट खातर बना रखी है, या देखो आप इस साइड में देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है इस गौशाला में बना रखी है, नागली की गौशाला है। ये देखो इस साइड में तो पूरी जो बड़ी सभ्यता है या तूड़ी की है, ये देखो आप देखो तूड़ी शामी पड़ी दिखाई कैमरा मैन तक हुआ दिखा दे भाई। देखो भाई यह जो गुमैन है इसके अंदर गौ खतर या जिस टाइम बाहर इनकी बंद है या खोला है उस टाइम जो चारा है वो इसके अंदर डाला है। और इस साइड में आगे भी एक बहुत बड़ी जो वो सभ्यता बना रखी है, अपन देशी भाषा में कह करा ये इस साइड में बताओ जी ताऊ जी क्या है। उसे सर्दियों में बंधने की अच्छा अच्छा सर्दियां हतर, देखो इतनी जबरदस्त व्यवस्था बना रखी है, सर्दियां हतर भी अलग तक वहाँ हतर बना रखी है भाई। तब देख को हो अंदर तक दिखाओगे पूरा का पूरा एक करके जो गौशाला नागली की नागली समैन के आसपास में जो के गांव है वो अपनी गौ छोड़ दिया और उनकी इतने अच्छे तरीके से वो करी जान लग रही है, सेवा करी जावा। आज मैं कैमरा मैन तो एक आगे आ जाता हूँ, अगर दिखा दे जो सर्दियों में इधर जो है ना हमारी ये गाय जो ताजी ब्याई होती हैं उनको रखते हैं जी इसमें कौन सी जो ब्याई हुई ताजी होती हैं। अच्छा ताजी ब्याई गायें भी अलग रखो वो भी अलग रखते हैं। अच्छा अच्छा ये दूध दुधारू गाय देखो भाई जो गाय ब्यारी है नी उनकी अलग रखा है। आप देखने लाए कितनी जबरदस्त कितनी बढ़िया व्यवस्था इस नागली की गौशाला मनाई गई है और अराचारा तूड़ी की फुल जो बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है। और इस साइड में आ जाए भाई कैमरामैन बाहर आ जाए एक बारी बाहर तो दिखा इस साइड का। ये देखो इतनी जो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान है भाई, देखो आप देख लो कड़ियां गोबर नहीं पावेगा, कड़ियां किसी प्रकार का डंगा या गोबर नहीं पावेगा। जो बयान वाली गाय है 90x14 का सर्दी का बैरिंग है, 90 फुट लंबी है 14 फुट चौड़ी। अच्छा अच्छा सर्दियां में आ रहा वो देखिए मार दिया थले बताओ का ऊपर चढ़ गई थी। ये सर्दियों में व्यवस्था यहाँ है, सर्दियों में ये यहाँ बंद है सर। तो आप देखने आ रहे हो छोटे बच्चों के लिए सामने आगे आपको दिखाई दे रहा है वो कमरा, न्यारा कमरा बना रखे जो छोटे बाछरू हो नहीं छोटे बच्चे हो उनका तर न्यारा कमरा बना रखे। देखो शामी नजदीक तक दिखा दे एक बारी अलग तक बना रखे कमरा जो सर्दियों में छोटे बच्चा ना सर्दी ना लागे कहते कह रहे जाडा नहीं लागे अलग तक बना रखे उरा जब कैमरा मैन तो कहूंगा जो साफ सफाई है नी अड़ा इतनी बढ़िया है बहुत बढ़िया साफ सफाई है। देख सको आप ऐसी जो गौशाला है नी आपने पहली बार देखी है, आंधी गाय भी अड़ा एक आंधी गाय और दिखाऊंगा आपने अड़ा जो ब्यारी है दुधारू है आंधी गाय है भाई इस गौशाला में ऊपरली साइड में आज मैं गला गला आ जाए। ये देखो भाई इसका किस तरह मेरा बटाता हुआ आंधी है या बचपन से ही छोड़ के जो गया था अंधी छोड़ के गया था बच्ची। अच्छा अच्छा बच्ची छोटी सी बच्ची को छोड़ के गया था यहाँ अंधी को। अच्छा। इसकी माँ के टलने के बाद। अच्छा और ये अंधी उसी दिन से यहाँ पहली बार भी आई है। अच्छा और इसके पास कम से कम 8-10 किलो दूध है, बच्ची इसकी मरगी सफेद बच्ची। अच्छा कौन सी है देसी है देसी है देसी प्योर देसी गाय। अच्छा देसी तो देखो भाई कौन सा तब आप काटो दार। अच्छा दार दूर ठीक देवा या जमा सही देवा दार दिखता नहीं थी बिल्कुल भी ना बिल्कुल नहीं थी। अच्छा हाँ तो किस तरह आपने किस तरह मेरा बढ़ाया बताया गया था छोटे नाला ये सरूल का हम दी है जी। अच्छा हाँ समान का ये सरूल का हम दी है। अच्छा कितना दूध दे दिया या दूध तो इसका 10 किलो था जी। अच्छा ये पाली चोट तो इसकी बच्ची मर गई। अच्छा दूसरा नंबर इसका पुनर कट गया बाकी तीसरा नंबर इसी की टूट गया। ओहो ये तो मान ले कि इसमें जखम में जखम मिलते रहे। चलो आप बढ़िया सेवा करने लाग रहे हो इसकी धार भी आप पे काटो हो तो देख सको भाई ये नागली की गौशाला है। आपने इसका सर्वे लाग रहे हैं कराण दिखाना लाग रहे हैं क्योंकि ये सेवा इसका हम देखने हतर आए थे गौशाला में क्योंकि जो गाय है ना गाया में एक लंपी नाम की बीमारी चल रही है और वह देखने हतर आए थे और सफाई देख लो आप
सफाई देखो, सफाई दिखा दे भाई, को दिखा दे, या दे नीचे देख लो कड़िया न्यू मड़ा हवी डंगा नहीं पावेगा, और किसी गाय में बता रहे है कोई बीमारी नहीं है, देख सको आप आ जाओ बाहर और दिखा दे करके। हाँ जी, चेकिंग करवाते हैं। अच्छा, बीमारी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो स्वस्थ है सारी। गायें कितनी हैं? गायें टोटल लगभग 140 38 42, क्योंकि एक आधा पशु चला जावा से एक आधा आ जाए, अब इसे बीमारी की वजह से हमने लेना बंद कर। अच्छा अच्छा, यानी कि 140 ही मानो। तो जिस तरह की तूड़ी है या हरा चारा है? हरा चारा व्यवस्था करो। हरा चारा है, मशीन है हरा चारा के, हमने मतलब के गेहूं निकालने के 20 दिन के बाद हरा चारा शुरू किया था, और आज आने वाले 20 दिन तक का और आगे हरा चारा है। आसपास के जो गांव है वो भी? हाँ, वो देखे जाते हैं, वो भी देखा जाते हैं। एक नौजवान साथी भी हमारे साथ में है, भाई साहब आप क्या बताओगे गौशाला के बारे में, जो इतनी बढ़िया गौशाला मैंने पहली बार देखी है। हाँ, इतनी ये गौशाला अपनी कमेटी बनी नहीं, जब से बहुत ही देखभाल होने लग रही है इसकी। हाँ, पहले तो थोड़ा बहुत था इसमें, कोई पाली टीका है, कोई आवा कोई जावा, जब से कमेटी ने संभाला नहीं, तब से तो बहुत बढ़िया कमेटी चल रही है, इसके मेंबर है ये, अपना एक सरपंच है ताराचंद प्रधान, ये मृताऊर है, तब से तो बहुत ही बढ़िया, आप देख रहे हो साफ सफाई भी, सुविधा भी देख रहे हो यही बात। हाँ हाँ, हरा चारा की भी सब, पहले तो वैसे भी हरे चारे की भी थोड़ी दिक्कत हो करती, अब तो हरे चारे की कोई दिक्कत नहीं, अपना यहाँ भी कम से कम 14-15 किलो तो अपना इसके डेरा गया, इसमें भी सब हरा चारा बोर गया सब। तो आप देखने लग रहे गाय का ऊपर, लगभग हर गाय का ऊपर एक एक पंखा चलने लग रहा है, दिखा दे भाई पंखे, दिखा दे चलते सारी सारिया पे, तो बाहर भी दिखावांगे आज। आप देख सको पूरी खुली डुली गौशाला है, पूरा का पूरा आप दृश्य दिखाया, और इस साइड में देखो आप पूरा लंबा छप्पर बना रखे गए हैं, और छप्पर के अंदर प्रत्येक लगभग पिलर का गल्ला एक एक पंखा ला रखा है, और एक एक पिलर का गल्ला है दूसरा पंखा, जो साइड का पंखा हुआ है वो भी लगा रखा है। सारी गायें इतनी बढ़िया हैं, तो पूरी जानकारी लाए किस तरह इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो कितने लोग हो आप, जो कमेटी बताई गई है? ये कमेटी 25 अगस्त 2021 को बनी थी, 11 मेंबरों का बोर्ड, जिसका प्रधान है नागड़ी का ताराचंद, इसका कैशियर है धर्मवीर सिंह नागड़ी से, और सेक्रेटरी है दिलू राम है समैन से जी। हाँ जी, उप सेक्रेटरी है हरपाल सिंह नागड़ी से जी जी, और चार इसके हैं संरक्षक, क्या नाम है अपने राजा राम जी और बलदेव सिंह और एक रणधीर सिंह, और एक रणधीर सिंह और दूसरा सेक्रेटरी है जो आप जानते हैं आजकल निशार रहने लगे। एक उप प्रधान है गाजूवाड़ा से, ओम प्रकाश नाम है उसका, एक हंसे वाले से मेंबर है, एक नागड़ा से मेंबर है, एक चितैन से मेंबर है, दो मेंबर नागड़ी के हैं, बाकी हम सेवादार इसके 70 हैं टोटल जी जी। तो 70 के 70 सेवादार, यानी कि जो इसकी इतनी बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था है उनका, आप सब मिलकर कर रहे हो? हाँ, मिलकर कर रहे हैं जी, और महीने में एक बार हमारी मीटिंग अवश्य होती है जी, कोई कमी हो आने जाने वाले से नोट करते हैं, इसमें मेंबर रहता है एक दो वो पूछता है। तो आपने बताया भाई गौओं के अपना लेना बंद कर दिया बीमारी की वजह से। हाँ, कोई इसमें गौशाला में गौ छोड़न खतर आवे, जिस तरह पे गौ छोड़ दे हैं, किस प्रकार आप ले उसमें? इसमें ऐसा है जी, 1100 रुपए की कंपलसरी है, बच्चा नहीं, रोस्टर नहीं लिया जाएगा, रोस्टरी गाय देसी गाय साहिवाल गाय ये गाय ली जाएगी, बच्ची नीचे होगी वह ली जाएगी, लेकिन रोस्टर सांड को नंदीशाला की तरफ इशारा करते जी। तो डॉक्टर की व्यवस्था किस तरह है, जिस तरह बीमारी फैल रही है, तो किस डॉक्टर की है ड्यूटी? हाँ है जी, दो डॉक्टर नागड़ी से है, दो समैन से जो है ना अपनी सेवाओं के रूप में आते हैं, चार डॉक्टर यहाँ, यानी कि डेली कोई ना कोई डॉक्टर खड़ा रहता है, अगर बाई दी वे डॉक्टर नहीं है, हमने फोन कर दिया, हमने फोन नंबर दे रखे, तुरंत आते हैं दूसरे पशु को छोड़ के यहाँ पहुंच जाते हैं, ये व्यवस्था। तो आप देख सको दादा, क्या बताना चाहो आप? भाई बहुत बढ़िया सेठ जुड़ रहे हैं, एक बार चंडीगढ़ से है अपने गाँव समैन का जगदीश का लड़का, 11,000 रुपये पर महीना देता है गौशाला को, 5,000 रुपये चाय बना के चाय बनाने हाथर दिया है, बड़े सेठ एक अपने नरवाना से हंसराज सेठ है वो जुड़ रहा है, अपने समैन टुहाना से सजन जुड़ रहा है, वह अपने गांव से बहुत मेंबर जुड़ रहे हैं, वे बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, आगे आगे बहुत बढ़िया मेंबर है, सारे सारे तय दिल तय सेवा कर रहे हैं, कोई नहीं उन्हें किसी लालच में सेवा नहीं करते, तय दिल तय करते हैं। तो देख सको भाई, अगर इतने मेंबर इनके गला जुड़ रहे हैं, इतने दानी लोग इनके गला जुड़ रहे हैं, जदे इस प्रकार की जो सफाई व्यवस्था है और गौओं गौ माता की इतनी देखभाल होने लग रही है, तो एक बार आप भी इस पर शेयर का जोटा मार दो, और अगर आपके पास कोई गौशाला है, अगर आप भी चाहो कि आपके गौशाला के अंदर आके हम सब जो व्यवस्था है वो लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमने इस नंबर पर संपर्क कर सको,
जो इतनी बढ़िया गौशाला है नागली की, इसको एक बारी शेयर जरूर कर दो। एक भी गाय यहाँ पर लंपी जो बीमारी चल रही है लंपी नाम की, एक भी गाय यहाँ पर बीमार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही इस प्रकार की बना दी। तो आप देख सको साफ सफाई की, बिजली की, लाइट, पानी, जो पंखे हैं उनकी, हर प्रकार की। और इन्होंने बताया है कि लगभग हफ्ते के अंदर सभी जो गायें हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं उन पर स्प्रे करें नीम का पानी का। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करो और हमारे जो चैनल है उसको फॉलो करो, तो और भी हम आगे नई नई वीडियो आपके सामने लेके आवेंगे।